दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की जनता से तीन बड़े वादे किए हैं। पहला, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का। दूसरा, पुराने घरेलू बिजली बिल माफी का। और तीसरा, 24 घंटे बिजली सप्लाई का। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नया नहीं किया है, बल्कि दिल्ली वाला दाव पंजाब में चल दिया है। केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि गरीबों के बिजली के बिल 70,000 तक आ रहे हैं, उनका क्या दोष है? कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और कनेक्शन जोड़े जाएंगे। पुराने घरेलू बिजली के बिल जो माफ होंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। केजरीवाल ने पंजाब रवाना होते वक्त ट्वीट किया था कि पंजाब के लिए नई सुबह है, अगले कुछ घंटों में मैं आपके बीच मौजूद रहूंगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ये चुनावी वादे तब सामने आए जब कांग्रेस की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फ्री बिजली देने के वादे के लिए दबाव बनाया। कांग्रेस चाहती है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली फ्री कर दी जाए। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने भी बिजली और महंगाई को लेकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार की। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार बिजली को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, हर कोई मुफ्त बिजली देने की बात कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनावी वादे जो बिजली को लेकर किए जा रहे हैं कितने सार्थक साबित होते हैं।